हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा पाठक। शोभा फ्रेश किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज चलिए हम अचारी आलू बना रहे हैं। आलू को हम उबाल लिए हैं नमक डाल के इसको, और छोटा छोटा आलू लिए हैं हम, क्योंकि अचारी आलू में छोटा छोटा आलू बहुत अच्छा टेस्ट जाता है अंदर अच्छी तरह से। तो चलिए इसको हम हाफ हाफ काट लेते हैं, और इधर हम मसाला को भून लेते हैं। साबुत मिर्च है और साबुत धनिया है, थोड़ा धनिया ज़्यादा ही डालेंगे, और जीरा है, हाफ चम्मच जीरा। ये सबको हम भून लेंगे। अब इधर मेथी है, मेथी दाना हम 10 ही दिए हैं, और ये सौंफ है, ये काली मिर्च है, ये भी इसमें डाल देंगे, और इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करके इसको हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। इधर हम आलू काट लेते हैं। बड़ा है तो 4 काटिए, छोटा है तो 2 ही काटिए। अब ये मसाला हो चुका है, इसकी खुशबू अच्छी तरह आ रही है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, और ठंडा करके इसको हम दरदरा कर लेंगे, पीस लेंगे। आलू को हम कट कर लिए हैं। अब इधर हम तेल गरमा लिए हैं, इसमें हाफ चम्मच जीरा और थोड़ा सा राई, सरसों, और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देते हैं। ये भी सब्जी तुरंत बनने वाली रेसिपी है, कभी भी लंच देने की ज़रूरत हो और फटाफट जल्दी में, तो ये सब्जी आप दे सकते हैं। आलू अगर उबला होना चाहिए, आलू उबाल के फ्रिज में रख दें लंच के लिए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी सब्जी है। हल्दी थोड़ा सा, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। आलू को हम थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा करापन रहे, चिपचिपा ना हो, इसलिए ये भुन चुका है। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। ये आप फ्रिज में रख सकते हैं 2-4 दिन, इस तरह से 1 सप्ताह भी ये सब्जी रह जाएगा आपका। और ये अमचूर पाउडर है, आम का पाउडर है ये। देखिए आप कितना अच्छा ये
सब्जी है। और बोले ना, किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, लंच में या सफ़र में ले जा सकते हैं ये रेसिपी, ये सब्ज़ी आप सफ़र में ले जा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाएं और बना के एंजॉय करें। पराठा के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा ये। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रहे हैं, आपको नहीं डालना है तो मत डालिए। अगर ज़्यादा दिन रखना है इसको तो धनिया पत्ता मत डालें, कसूरी मेथी डालें। या ऐसे इसको भी मुझे भूनना है। और भूनेंगे तो और इसका तेल निकलेगा। देखिए पूरा अच्छी तरह से लिपट चुका है आलू में मसाला। ये क्रिस्पी करके ज़रूर भुने आलू को, नहीं तो आपको चिपचिपापन लगेगा। अगर आप क्रिस्पी करके भुनेंगे ना तो चिपचिपापन नहीं लगेगा और ख़राब भी नहीं होगा। पानी को सुखा ले, आलू को पानी को सुखा ले। सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरा देखा करें तब समझिएगा। और हम बार बार बोलते हैं, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। जो आप लोगों को फ़ोन में डायरेक्ट चला जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में डायरेक्ट चला जाएगा। अब हम गैस को बंद करेंगे। अच्छी तरह से धनिया का भी पानी सूख चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम गैस को बंद करते हैं। हो गया है, देखिए 5 मिनट में बनाए ये अच्छी रेसिपी, अचारी आलू और बना के खाएं। चलिए हम सर्व भी कर दिए हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।